ट्रैफिक नियमों की धज्जी उड़ाने वालों की अब खैर नहीं। 1 सितंबर से लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब देना होगा 10 गुना फाइन। कई नियम तोड़ने पर आ सकती है जेल जाने की नौबत। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। नए जुर्माने की रकम को भी पुलिस की मशीन में जोड़ दिया गया है। यानी अब सड़क पर नियमों को ताक पर रखने वाले लोगों को न केवल मोटा जुर्माना देना होगा, बल्कि कई अपराध तो ऐसे हैं जहां पर जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। नए नियमों के तहत अब सड़क पर जरा सी गलती जेब पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना या फिर अपने नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाना ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त आयुक्त NS बुंदेला का कहना है कि पुलिस की तरफ से पहली कोशिश होगी कि लोग नियमों का पालन करें, लेकिन अगर लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वो मोटा जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें। इसमें ऑब्वियसली इसमें क्योंकि जो पेनल्टी है इसमें रिवाइज किया गया, वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट कर दिया है, पहली बात यह है। और ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इन सबको अपना फोकस एरिया समझती है, ड्रंकन ड्राइविंग को, रॉन्ग वे ड्राइविंग को, बिना हेलमेट के ड्राइविंग के, जिसमें हम कंटिन्यूसली वैसे भी चलान करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, और क्या किस तरह से हम क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें ट्रैफिक सेफ्टी की, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो इस एक्ट में चूंकि रिविज़न हो गया तो पेनल्टी अमाउंट ही बढ़ेगा, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है वो वही काम आगे भी करती रहेगी। नए नियमों के मुताबिक बिना हेलमेट के पहले 100 रुपये और 300 रुपये का चालान था, जो अब बढ़कर 500 और 1500 हो गया है। बिना लाइसेंस के पकड़े जाने पर 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये भरने होंगे। गाड़ी तेज रफ्तार से चलाने पर 2000 रुपये तक भरने पड़ेंगे और ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त हो सकता है। नए नियमों के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त अगर कोई पकड़ा गया तो सीधे 10000, दूसरी बार पकड़े जाने पर 15000 और 6 महीने की कैद भी हो सकती है। उल्टी साइड से गाड़ी चलाने वाले भी सावधान हो जाएं, उन्हें भी पकड़े जाने पर 1000 से 5000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। सीट बेल्ट ना बांधने पर पहले जहां 100 रुपये देने पड़ते थे, अब वहीं पूरे 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा लाल बत्ती तोड़ने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, लेकिन आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग एक तरफ नियम तोड़ते हैं और दूसरी तरफ पुलिस से झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे माहौल में बढ़े हुए जुर्माना वसूलने में पुलिस को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस बात की पूरी उम्मीद है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट से सड़क पर होने वाले हादसों में कमी आएगी।